तो भाई आज का वीडियो है डी आई वाई सी ओ टू सिस्टम के ऊपर जो होम मेड सी ओ सिस्टम भी बोला जाता है तो उसी के ऊपर आज बात करेंगे क्योंकि प्लांट्स के लिए सी ओ टू तो चाहिए तो सी ओ टू देना पड़ेगा तो भाई जो लोग इस सीरीज के बाकी वीडियोस नहीं देख पाए तो उसका लिंक आई कार्ड पे आ रहा है और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया है आप लोग जाके वहां से भी चेक कर सकते हैं इसमें सबस्ट्रेट प्रिपरेशन से लेके प्लांटिंग और सेवन डेज अपडेट तक का वीडियो दिया हुआ है इसके आगे भी कुछ और वीडियो आएंगे तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हो उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर देना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो फ्रेंड्स होममेड मेड सी ओ टू सिस्टम किट के लिए हमें जो जो सामान लगेगा वो है दो प्लास्टिक बॉटल एक 1.5 लीटर का और एक 500 हंड्रेड का दो एयरलाइन रेगुलेटर कुछ एयरलाइन ट्यूब एक चेक वेल्ब और थोड़ा सा सुपर ग्लू ठीक है और सॉल्यूशन हम लोग जो बनाएंगे, जिससे सी ओ टू होगा उसके लिए हमें लगेगा शुगर और ईस्ट तो फ्रेंड्स डिफ्यूज़र के लिए वीडियो को पूरा देखिए मैं वीडियो में तीन किस्म का डिफ्यूज़र आप लोग को दिखाऊंगा जो कि बिल्कुल होममेड है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो मेन हम लोग का बॉटल रहेगा उसके कैप में एक होल बनाना पड़ेगा तो उसके लिए आप ड्रिल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई मेटल रॉड को गर्म करके भी मैं जैसे होल बना रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हैं तो होल को रेगुलेटर का जो पाइप रहता है मतलब जो आउटलेट रहता है उससे थोड़ा सा छोटा बनाइएगा क्योंकि हमें सील एयरटाइट चाहिए जॉइंट्स में हम लोग बाद में ग्लू यूज़ करेंगे लेकिन इसको टाइट फिट करना चाहिए ये तो हो गया मेन बॉटल और सेकेंड बॉटल में हमें जो के है बबल काउंटर जो 500 हंड्रेड एम बॉटल है वही बबल काउंटर का काम करेगा तो उसमें हमें दो होल बनाने हैं ठीक है तो एक में तो एयरलाइन रेगुलेटर लगेगा एक और एक खोल में आप कोई भी आई जॉइंटर लगा सकते हैं तो ये एकदम एयर टाइट होना चाहिए तो मैं तो यहाँ पे सिलिकॉन का नोजल का टिप यूज़ कर रहा हूँ तो आप एयरलाइन जॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं तो अभी जॉइंट्स को अच्छे से सील कर देंगे क्विक से काम हो जाता है आराम से ठीक है तो इसे अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा क्योंकि हमें एयर को लीक नहीं होने देना है अगर यहाँ से लीकेज होगा तो आपका सी वेस्ट होगा जहाँ वो दस दिन चलने वाला था वो पाँच दिन में ख़त्म हो जाएगा मतलब टाइम ड्यूरेशन डिक्रीज हो जाएगा तो जैसे कि ये रहा मेरा बबल काउंटर इसमें दो होल्स हैं और जो प्राइमरी बॉटल है जो मेन बॉटल है इसमें सॉल्यूशन रहेगा उसमें एक होल है एक रेगुलेटर है और जो बबल काउंटर है उसमें मैंने आई जॉइंटर क्यों बोला था क्योंकि उसमें से एक पाइप बॉटल के नीचे तक भी जाएगा ठीक है तो यहाँ पर भी आप एयरलाइन ट्यूब को यूज़ कर सकते हैं और जॉइंट्स को अच्छे तरीके से सील कर दीजिएगा एक्चुअली सुपर ग्लू एक्वेरियम फ्रेंडली होता है तब जब वो सूख जाता है तो इसे अच्छे से ड्राई होने दीजिए ज़रूरत पड़े तो एक दिन रख दीजिए दूसरे दिन यूज़ कीजिए ठीक है तो इसे अंदर से और बाहर से दोनों साइड से ही अच्छे से सुपर ग्लू लगा के सेट कर लेंगे तो ये हमारा बबल काउंटर का सेटअप रेडी हो गया तो ये जब मैं असम्बल करूँगा तब आपको समझाऊँगा कि इसका वर्क क्या है मतलब कैसे ये काम करता है तो चलिए अब सॉल्यूशन को रेडी करते हैं तो फ्रेंड्स सॉल्यूशन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं शुगर तो मैं यहाँ पे टू फिफ्टी ग्राम्स मतलब ढाई सौ ग्राम शुगर लिया हूँ और ये बॉटल का लगभग सेवेंटी परसेंट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट वाटर फिल कर लिया हूँ अब ईस्ट को प्रिपेयर करते हैं ये नॉर्मल खाने वाला ईस्ट है कोई दूसरा कुछ नहीं है ठीक है तो हल्का गुनगुना गर्म पानी में आपको एक टीस्पून ईस्ट दे देना है तो मैं यहाँ पे बड़े चम्मच से ही कर रहा हूँ तो गुनगुना पानी देने से क्या होता है कि ईस्ट जल्दी एक्टिव हो जाता है ठीक है तो और नहीं तो आप अगर नॉर्मल पानी से भी करेंगे ऐसा बात नहीं कि होगा नहीं लेकिन उसमें ईस्ट को एक्टिव होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो कोशिश कीजिए हल्का एकदम गुनगुना पानी हो तो इसे अच्छे से डिजॉल्व कर लेंगे ठीक है और बॉटल में हम लोगों ने ऑलरेडी शुगर डाल के उसे मिक्स कर लिया है हम लोग यहाँ पे टू फिफ्टी ग्राम सब शुगर यूज़ कर रहे हैं तो अब शुगर और ईस्ट को एक साथ मिला देते हैं ये गया ईस्ट अंदर और गैस इस सॉल्यूशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा सी ओ टू निकलेगा वो होने में लगभग ट्वेंटी फोर आवर्स टाइम लगता है उससे पहले हो जाता है लेकिन आप ट्वेंटी फ़ोर आवर्स मान के चलिए ठीक है तो इसमें क्या होता है जो ईस्ट है वो बॉटल में मतलब पानी में जो शुगर है उसको फूड एज़ ए फूड खा जाता है और बाई प्रोडक्ट में हम लोग को मिलता है सी ओ टू और एल्कोहल ठीक है तो अभी ये सॉल्यूशन तो रेडी हो गया बॉटल के कैप को अच्छे से बंद कर लेंगे जो एयरलाइन रेगुलेटर था उसका भी मुँह अच्छे से बंद करके कर रखेंगे क्योंकि ड्यूरिंग फॉर्मेंटेशन गैस कोई लीक ना हो ठीक है चलिए अभी इसे असेंबल करते हैं सारे कंपोनेंट्स तो हमारे रेडी हो गया सॉल्यूशन भी रेडी हो गया एक दिन से वो एज भी हो रहा है ठीक है तो ये रहा बड़ा जो बॉटल है उसमें सॉल्यूशन है तो उसका एक एंड को बबल काउंटर से कनेक्ट करेंगे तो जिसमें जो होल में आप लोग आई जॉइंटर अटैच किए हैं या फिर कोई भी पाइप अटैच किए हैं जो बॉटल के एंड तक जाता है नीचे तक जाता है उस पॉइंट पे आपको मेन बॉटल को कनेक्ट करना है ठीक है जो बड़ा बॉटल है और बड़ा बोतल को कनेक्ट करने के बाद जो एयरलाइन रेगुलेटर है उसको धीरे से घुमाइएगा तो देखिएगा कि प्राइमरी बॉटल से सी टू जो है पाइप के थ्रू आके आपके सेकेंड जो बॉटल है जो बबल काउंटर है उसमें से निकल रहा है तो बबल काउंटर बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका सी टू सिस्टम मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें और शुगर नहीं है या फिर वहाँ से और सी ओ टू जेनरेट नहीं हो रहा है तो आपको तो पता नहीं चलेगा डिफ्यूज़र जब अब तक ऑन नहीं करेंगे तो बबल काउंटर में आप लोगों को पता चलेगा कि आपका सी ओ टू जेनरेट हो रहा है या ख़त्म हो गया है आपको रिफिल करना है ठीक है तो ये है बबल काउंटर का मेन काज तो भाई सेटअप तो हो गया है अब इसे इंस्टॉल करते हैं तो फ्रेंड्स जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम दे दिया है जो सेकेंड बबल काउंटर है हम लोग का सेकेंड बॉटल है उसमें से एक पाइप निकल के एक चेक वेल्ब में जाएगा और चेक वेल्ब से वाया होके आपके डिफ्यूज़र में जाएगा और चेक वेल्ब देने का कारण ये है क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका टैंक का पानी रिवर्स में, में आके फिर आपके सीओ टू सिस्टम में ना चला जाए तो फ्रेंड्स डिफ्यूज़र के लिए मैं जो पहला चीज़ बोलूँगा वो उतना ख़ास नहीं है पर आप यूज़ कर सकते हैं एज़ अ बैकअप ठीक है वो है एयरस्टोन ठीक है तो एयरस्टोन में भी आप सी ओ टू को दे सकते हैं जहाँ जैसे मेरे यहाँ पे लगा हुआ है तो डिफ्यूज़न अच्छा ही है कुछ तो ख़राब नहीं है लेकिन बबल्स और भी फाइन हो सकते थे तो सेकेंडरी जो चीज़ मैं बताऊंगा वो हेल्थ के लिए हार्मफुल है पर इधर काम आएगा तो वो है सिगरेट का फिल्टर मतलब सिगरेट का जो बर्ड्स होता है उसमें जो वाइट कलर का जो स्पॉन्च टाइप रहता है वो वाला तो इसको क्या करना है उस फिल्टर को निकाल के आपकी एयरलाइन के एंड पे अच्छे से टाइट करके फिट कर देना तो उससे क्या होगा बबल्स जनरेट होंगे जैसे यहाँ पे हो रहा है तो ये भी आपका बहुत अच्छा डिफ्यूज़र का काम करेगा मैंने यूज़ भी किया है काफ़ी अच्छा यू मतलब डिफ्यूज़ करता है और थर्ड चीज़ जो मैं बोलूँगा वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट न, वे है सी टू को पानी में डिफ्यूज़ करने का वो है कोई भी पावर हेड या आ, आपका जो हॉप फिल्टर है उसके इंटेक में आप सी टू का जो पाइप होता है जो आउटपुट पावर पाइप है उसको आप लगा दीजिए तो उससे क्या होगा जब आपका आ, पावर हेड या फिर हॉप का पंप चलेगा तो उसके ब्लेड से बबल्स बहुत ही फ़ाइन माइक्रो बबल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसमें करना कुछ नहीं है बस आ, 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 आपके पावर हेड के इंटेक में आपको इसे फिट कर देना है जैसे मैंने यहाँ पे किया है बस इसे लगा दीजिए और गाइज़ ये डी आई वाई सी ओ टू सिस्टम मेरा तो लगभग पंद्रह दिन चल जाता है पंद्रह दिन बाद इसको फिर से सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ता है तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो में लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो इस प्लांटेड टैंक के रिलेटेड और भी कुछ वीडियोज़ आएंगे सो तो स्टेट आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो पे गुड बाय